अबे क्या रे, प्लास्टर चालू नहीं करेगा? काला देवरा आया नहीं क्या आज? अरे दादा होने आएगा आज। क्यों रे? अरे दादा उसका फोन आया था, वो बोले कि आज मुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। काले देवरे को लड़की वाले देखने आ रहे? हाँ ना दादा। वाह यार, वैसे देखने वाली चीज तो है नहीं वो। हाँ? मतलब अबे देख के डरने वाली चीज है वो काला देवरे। ओह नो। अब क्या रे, ये गारा किसने कला? मैं निकला है ना दादा। जब तेको मालूम था काला देवरे नहीं आने वाला है तो झक मार लो कला है ये गारा। अरे दादा गारा कलाने के बाद उसका फोन आया मेरे को। अबे यार अब क्या करना है ये गारे का? ए दादा तू कुछ भी कर, मुझे मेरी पगार दे देना। हाँ? मैंने मेरा काम कर दिया है वो। अबे हाँ, पर ये गारे का क्या करना अभी? अरे दादा तू इसको चावल से खा या रोटी से खा, मुझे मेरी पगार दे देना है। अबे हाँ भैया ले लेना ले तेरी पगार। क्या करूँ? अरे हाँ आज रोकड़े आलू को बुलाता प्लास्टर करने। हेलो आप भी क्या? हाँ दादा बोल। अबे इतना धीरे कुसुर पुसुर क्यों कर रहा, जोर से बोलना। अरे वो सब छोड़, काम क्या है वो बोल दादा। अबे एक दीवार का प्लास्टर करने गए वो भी रोकड़ा। अरे दादा अपन में बाहर है ना। अबे ठीक है तू 10 मिनट में मेरी साइड पे आ जा, अबे मैं तुमको 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। हा? अरे दादा अभी मैं नहीं आ सकता भाई। अबे क्यों? अबे 100 बढ़ा के दे रहा ना मैं। अरे तो मैं कब्रिस्तान में है ना रे। ओ ऐसा क्या, कब्रिस्तान में तू? हाँ ना दादा। अबे तो एक काम करना फिर। कौन सा काम? अबे आजू बाजू में एकाध कब्र खाली है क्या? हाँ फिर है ना। अबे तो तू भी इसमें सो जाना साले। पर यार आप किसको लगाओ फोन? अरे हाँ अरिफ चंडे को लगाता फोन। पप्पा साला वो मेरे को ना चंडे दे। हेलो। हाँ बोलना दादा। अबे क्या रे चंडे का है तू? अन क्या दादा तू भी हर जरा समझा करना। क्या समझू? अरे दादा सामान के साथ है ना मैं। सामान के साथ? ओह शिट ओह शिट। अबे साले हथियार लेके फिर रहा तू, पुलिस पकड़ लेंगे ना तुझको। अरे वो सामान नहीं रे दादा, अरे मेरी आइटम के साथ है ना मैं। ओह नो। ऐसा क्या, किसके नसीब पुड़े रे? अन क्या दादा अब तू भी मजा ले रहा मेरी है क्या? अबे रख दो। यार क्या करना यार, अबे गनिया अबे तू मार देना प्लास्टर। अब मेको कहा था, मैं तो खाली माली कहला था ना। अबे कितने साल से कर रहे ये काम तू? 10 साल से। हा? अबे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा अब तू। क्यों रे दादा? अबे तेरे बात के आईले पूरे इंजीनियर बन गए। आज चले मैं कर लेता प्लास्टर। हाँ तो कर लेना फिर। अरे बाप रे बाप, आप समझ में आया? इंजीनियर बनना कितना आसान है और गौंडी बनना कितना मुश्किल काम है। क्या रे दादा प्लास्टर का काम खाली है क्या? ऐसा तू बहुत सही टाइम पे आया रे तू। अबे निकल चले तेरी दो। देख पित्तल की ईंटें निकले। बता दूँ तुझे।
अबे ये पित्तल की ईटा नहीं है, अबे ये सोने की ईटा है, सोने की। क्या सोने की ईटा? अबे रुको रे, अबे इतना क्या गुजर रहे? अबे पहले मालूम तो पड़े किसकी है क्या है। ए दादा, हमको मिले ना तो हमारी है। दादा कभी ये ईटा बिका है तो कितने पैसे आएंगे अपने पास? अबे कम से कम 2 करोड़ का माल है ये। 2 करोड़? दादा 2 करोड़ में कितने शून्य आते? देखो नहीं मालूम रे। अबे 2 करोड़ में पूरी जिंदगी बैठ कर खा सकता तू? अब मैं ये पैसे से जाऊंगा दुबई, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा बनाने वाले इंजीनियर से मिलूंगा और उससे पूछूंगा तूने टिकम पावड़ा घमेला वो लंबा सस्ते में कहाँ से उठाया था। फिर वो मेरे को बताएगा एड्रेस, फिर वो सब सामान मैं दुबई से खरीद के कांदेस में लेके आ जाऊंगा। कांदेस में बैठ के दुबई जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाऊंगा। मेरा बच्चा, छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने नहीं देखा करते। जब सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है, ऐसे मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। तू कौन है रे? इन ईंटों का मालिक बाबू लोचा। क्या सबूत है ये ईंटें तेरे? ये ईंटें ही नहीं, तू जिस जमीन पे खड़ा है ना, ये जमीन भी मेरी है। और ये जो फार्म हाउस का काम चल रहा है, ये फार्म हाउस भी मेरा है। चल अब ये दोनों ईंटें मेरे हवाले कर और अपने अपने काम से लग जाओ। चलो ऐसे कैसे दे देना रे ये ईंटें तेरे को? माना कि ये जमीन तेरी है, पर ये जमीन में से निकला धन हमारा है। अरे हमने ये जमीन खोदे तो ये धन मिला हमको। अबे छोटू, काय को मेरी गोलियां जाय करवाना चाहता है? अबे हे बाबू लोचा, ये बंदूक बंदूक से तो लड़ाई नहीं मत देखो। बेटूंगी यहाँ से चल जाना तो पुलिस को बुलाता। अबे ज्यादा शान पत्ती मत कर और सीधे से दोनों ईटे मेरे हवाले कर दे, बोल रहा हूँ तेरे को। अबे तू कुछ ना कर। अबे नहीं यार, ईटा उड़ा रहे। अबे पीछे के साथ चल, सरक लकड़ी में पड़ जाएगा। अबे पीछे सरक। महंगा पड़ जाएगा तेरे को। बे तेरे को तो मालूम है बाबू लोचा, हमेशा सुम का माल शैतान खा जाता, पर ये टाइम सुम का माल ये छोटू खाएगा। तेरे को भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है कि ये माल स्मगलिंग का है। अबे तेरे को जो काटने का वो काट ले, चलो रे।